सरकार द्वारा छेल्ला दोढ़ वर्ष बाद कोचिंग अने खानगी ट्यूशन क्लासेस ने 50% क्षमता साथे शुरू करवा अंगेनी परवानगी मळता सूरतना 1500 जेटला ट्यूशन क्लासेस सरकारनी गाइडलाइन अनुसार आज थी फरी शुरू थया छे। कोचिंग क्लासेस में मात्र 50% विद्यार्थीओनी संख्या साथे क्लासेस शुरू करवामां आव्या छे, जे सरकारना निर्णयने सूरत कोचिंग एकेडेमिक एसोसिएशन द्वारा आवकारवामां आव्यो छे। कोरोनाना काळना कारणे सूरतमां छेल्ला દોઢ વર્ષથી ઓફલાઈન બંધ રહેવા કોચિંગ અને ખાનગી ટ્યુશન ક્લાસીસ આજથી ફરી શરૂ કરવામાં આવ્યા છે। કોરોનાના કેસોનું પ્રમાણ ઘટતા સરકાર દ્વારા કોચિંગ અને ખાનગી ટ્યુશન ક્લાસીસને 50% વિદ્યાર્થીઓની મર્યાદિત સંખ્યા સાથે બે સેશનમાં શરૂ કરવા અંગે પરવાનગી આપવામાં આવી છે, જેને લઈ વિદ્યાર્થીઓ અને ક્લાસીસના સંચાલકોને મોટી રાહત મળી છે। સુરતમાં કોચિંગ અને ખાનગી ટ્યુશન ક્લાસમાં 1500 જેટલા ટ્યુશન ક્લાસીસ જેટલા છે, તેમાં 400 જેટલા સુરત કોચિંગ એકેડેમિક એસોસિએશન માં રજિસ્ટર્ડ થયેલા છે, જે કોરોના કાળમાં માત્ર એક મહિનો સુધી ચાલુ રહ્યા હતા, જે બાદ સતત દોઢ વર્ષ બંધ રહેલા ક્લાસીસ પૈકીના કેટલાક ક્લાસીસને હંમેશા માટે તાળા લાગી ગયા હતા। જ્યારે કેટલાક સંચાલકોએ તો પોતાના ક્લાસીસના બેન્ચ સહિતના સરુસામાન પણ વેચી માર્યા છે। જોકે હવે સરકાર દ્વારા લેવામાં આવેલા નિર્ણય બાદ સંચાલકોને મોટી રાહત મળી છે અને તેમના આ નિર્ણયને સુરત કોચિંગ એકેડેમિક એસોસિએશન આવકારે છે। નટુભાઈ કારિયા, ગાંધી ક્લાસીસ, રાંદેર રોડ, સુરત। સરકાર ને જો નિર્ણય લિયા હૈ કોચિંગ ક્લાસીસ કો 50% જો સંખ્યા હૈ ઉસકે સાથ સ્ટાર્ટ કરને કા હમ ઉસકો આવકારતે હૈ। और ये अच्छा निर्णय है इसीलिए क्योंकि ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते बच्चे भी थक गए थे, टीचर्स भी थक गए थे, बहुत से दिक्कत आ रही थी और बहुत से क्लासेस तो बंद हो चुके थे। अब जो भी बचा है ये नया एकेडमिक ईयर का ये जो टर्म स्टार्ट हुआ है, एक महीना तो ऑलरेडी ख़त्म हो गया है, मगर ये नया अभी पूरा साल बाकी है, तो हर एक कोचिंग क्लासेस को मेरे हिसाब से उसके संचालक को ऑक्सीजन मिल जाएगा, उसकी इकोनॉमिक पोजीशन थोड़ी जो बिगड़ी हुई है उसको वो कवर कर पाएंगे और बच्चों को फ़ायदा ये रहेगा कि जो ऑनलाइन में दिक्कत आती थी वो ऑफलाइन में दिक्कत रहेगी नहीं। हम SOP का जो भी गवर्नमेंट गाइडलाइन बताते हैं उसका संपूर्ण पालन करने की बाध्यता भी देते हैं और वही हिसाब से हम क्लास चलाएंगे 50% संख्या के साथ। बहुत से क्लासेस ऐसे थे कि जो रेंट पे चलाते थे, रेंट की जगह पे वो क्लास चलाते थे और ऑनलाइन क्लासेस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हो गए थे तो उसका रेंट का खर्चा भी नहीं निकल पाता था। स्कूल बंद थी, कॉलेज बंद थी, तो बच्चे क्लासेस में भी पढ़ने के लिए आने में थोड़ी दिक्कत रहती थी और ऑनलाइन में सब बच्चे ज्वाइंट नहीं हो पाते थे क्योंकि बहुत से बच्चों के पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं थी, लैपटॉप या मोबाइल इतने नहीं होते हैं। तो अभी इसी वजह से क्लासेस संचालक की हालत बहुत ख़राब हुई थी क्योंकि 1.5 साल से उसका जो डिपेंड क्लास के ऊपर ही था उसका तो 1.5 साल से पूरा आमदनी बंद हो गई थी, मगर अब धीरे धीरे ये रिकवर होता रहेगा और बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे तो हमारी भी आर्थिक जो स्थिति है वो सुधरेगी, ऐसा हम जरूर मानते हैं और हम सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। मैं नीरज शाह, मेरा कोचिंग क्लासेस अडाजन रोड पे लास्ट 27 to 30 ईयर से चल रहा है। मेरे यहाँ साइंस, कॉमर्स और कॉलेज सब का कोचिंग हो रहा है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी पिछले 1.5 साल से, उसमें साइंस के जो सब्जेक्ट है, मैथ्स है, उनमें ऑनलाइन में बहुत दिक्कत रहती थी और कई बार तो हम पूरा एफर्ट लगाते थे लेकिन स्टूडेंट्स को उसका जो ग्रेस्पिंग होना चाहिए वो भी नहीं हो रहा था। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, सरकार ने थोड़ी देर की, वो कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन राइट टाइम पे अभी भी ये ऑफलाइन क्लासेस चालू हो जाएंगे तो बच्चे लोग को बहुत अच्छा रहेगा और फेस टू फेस पढ़ने का कुछ आनंद अलग रहता है। बच्चे घर पे रह के थक गए हैं और बहुत कंप्लेन रहती है, इंटरनेट की, डेटा की कंप्लेन रहती है, सब कंप्लेन रहती है। कई फैमिली तो इतने पुअर है कि उनके पास इतने मोबाइल, लैपटॉप भी नहीं है तो वो पढ़ा भी नहीं पाते हैं और अभी वो हमारे यहाँ अप्रोच कर रहे हैं कि सर ऑफलाइन हो रहा है तो हम एडमिशन ले रहे हैं। अच्छा है कि सरकार ने ये निर्णय ले लिया है, थैंक्स टू गवर्नमेंट। मेरा नाम नील खंबाती ओजस कुमार है, मैं 12th स्टैंडर्ड में एक्सटर्नल में हूँ और मेरी अभी 15 जुलाई से मेरी बोर्ड्स एग्ज़ाम है।
जो भी गाइडलाइन गवर्नमेंट ने दी थी सब ने फॉलो की है, हमने भी ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाई की है, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती थी जो ऑनलाइन में नहीं समझ आती थी, जैसे अकाउंट्स के सम, सेट्स के सम, या तो कोई थियरी सब्जेक्ट होते थे, लेकिन गाइडलाइन की वजह से हम लोग उसको फॉलो करना पड़ता था, कोई ऑप्शन भी नहीं था। लेकिन जल्द से जल्द ये अगर ऑफलाइन क्लास चालू हो जाते तो हमको ज़्यादा राहत होती, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम 15 जुलाई से है, तो थोड़ा रिवीजन करने का टाइम हमको सर के पास ज़्यादा मिलता, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में ज़्यादा हो सकता था। लेकिन जो आज ही रूल आया है कि ऑफलाइन क्लासेस चालू हो चुके हैं, तो अभी 15 जुलाई तक जितना हो सके हम लोग रिविजन और पोर्शन कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे कि हमारी बोर्ड्स की एग्ज़ाम अच्छी जाए।